तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे जो राम राम होते हैं, जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से एग्जाइटमेंट फील होता है। गाइस, कौन से शहर से इस वीडियो को देख ले रहे हो वो भी लिख के बताएंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। दलविंदर भाई हर एक बार लिखते हो, गंगानगर से हैं हम लोग, जो है गुड़गांव से इस वीडियो के लिए आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। बात करें देखिए हमारी द ऑल न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट के बारे में, ये वीडियो है दो भाग में, ये वीडियो रहने वाली है, बताऊंगा वो भी। खैर, कल जो है डिजायर फेसलिफ्ट 2024 के ऊपर हम लोगों ने वीडियो डाली थी। गाड़ी जो है वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गाड़ियों में से है मारुति सुजुकी की, देखने में लग रही है। उसके अलावा थार रॉक्स की डिलीवरीज भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। मैं सोच रहा था इस संडे ना पूरी एक न्यूज वाला टाइप वीडियो बना दूं, इसमें सारी की सारी चीज बताऊं। खैर गाइस, देखिए हमें ना क्या आशा थी कि टाटा पंच फेसलिफ्ट का हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, बट फाइनली आज जो टाटा है उन लोगों ने टाटा पंच का अपडेटेड टाटा पंच मॉडल निकाला है, साथ ही साथ उन लोगों ने एक टीजर भी निकाला है, जिसकी वजह से मेरे पास इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेज आए कि हर्ष भैया टाटा पंच फेसलिफ्ट आ गई, उस पर वीडियो बनाओ। तो बहुत से लोग जो है गुमराह हो चुके हैं इस चीज से। हालांकि टाटा मोटर्स की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को गुमराह करने की, बट फिर भी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मैं वीडियो लेके आया हूं। देखिए, टाटा पंच का अपडेटेड मॉडल आ चुका है, और आए भी क्यों ना। अगर बात करें इंडिया में 73,000 करोड़ रुपए की 7 लाख गाड़ियां डीलरशिप्स के पास खड़ी हैं। कुछ कंपनी भयंकर भयंकर डिस्काउंट्स निकाल रही है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। कुछ कंपनी अपने इन्हीं मॉडल्स को अपडेट करने में मजबूर हो गई है, ताकि जितनी भी इन्वेंट्री हो निकले। यही सेम टाटा पंच में भी हुआ है कि अब जो टाटा पंच है उसमें आपको कुछ नई चीजें देखने को मिली। देखिए, अब जो मैं मतलब बहुत सरल शब्दों में बताऊं, ये जो मॉडल है आप लोगों को प्योर प्योर ऑप्शनल एडवेंचर, एडवेंचर रिदम, एडवेंचर सनरूफ, एडवेंचर प्लस सनरूफ, अकॉम्प्लिश प्लस सनरूफ, क्रिएटिव प्लस सनरूफ, ये जो मॉडल्स हैं ये सारे टाटा पंच में आपको हाल फिलहाल देखने को मिलते हैं। अब अपडेट्स क्या आए हैं, टाटा मोटर्स कहती है कि हमने जो सनरूफ है उसको और भी ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया है। ठीक है, तो अफोर्डेबल का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं सिंपली। देखिए, जो हमारी टाटा पंच है उसमें अभी आपको क्या देखने को मिलता है, पहले आती थी इसमें 7 इंच की स्क्रीन, अपडेटेड टाटा पंच जो है उसमें आप लोगों को 10 इंच की एक बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी हमें देखते हैं। उसी के साथ साथ कंपनी खैर से ग्रैंड कंसोल बोल रही है, हम लोग वो वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ, 10 इंच 3 इंच स्क्रीन बड़ी कर दी है, बट चलिए जो भी है, टाटा पंच एक एंट्री लेवल की गाड़ी है, उसमें 3 इंच की स्क्रीन भी मेरे हिसाब से ठीक। इसी के साथ साथ आपको वायरलेस कार चार्जर एंड फास्टेस्ट या फिर फास्ट सी टाइप चार्जर बीच में देखने को मिल जाता है, अच्छी चीज करिए, क्योंकि यूजुअली हमारे आईफोन वगैरह जो बहुत स्लो चार्ज होते थे, तो यहाँ पे आपको वो चीज से नहीं जूझना पड़ेगा। इसी के साथ साथ गाइस, पीछे वाले जो पैसेंजर्स थे वो कंप्लेंट करते थे कि हमें जो है हवा नहीं आती, तो कंपनी ने टाटा पंच एक एंट्री लेवल सेगमेंट एसयूवी में, एसयूवी बोलेंगे हाइट वाइट देख रहे से, तो उसमें जो है आपकी बार रियर में पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स दे। अब ना मैंने एक कमेंट पढ़ी रहा था, जैसे हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी रिसर्च करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, तो गाइस उसमें एक बंदे ने कमेंट करा था, यही गाड़ी जो है ना फिलहाल 5 सीटर थी, अब चूंकि बीच में ये अपना रियर एसी वेंट दे दिए हैं, इसकी वजह से 4 सीटर बन गई। गाइस ऐसा नहीं है, मात्र इतनी सी जगह एक जो अपने रियर एसी वेंट्स हैं वो लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। रियर एसी वेंट आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज ये कि ऐसी गजब गर्मी में जो है आप लोगों को रियर एसी वेंट्स देखना। अच्छा, इस बार जो कंपनी कहती है हमने सबसे बड़ा अपडेट कराया वो ये है कि हम लोगों ने सनरूफ जो है मोर अफोर्डेबल बना दिए। टाटा पंच जो है 6,13,000 रुपए से ये वाला मॉडल स्टार्ट हो जाता है, अब चूंकि कंपनी कहती है कि हमने सनरूफ मोर अफोर्डेबल बना दिए, तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि गाइस आपका जो एडवेंचर वाला मॉडल है उसी से आप लोगों को सनरूफ देखने मिल जाएगी। एडवेंचर सिंपल नहीं, एडवेंचर सनरूफ नाम से एक अलग से मॉडल है। स्पेसिफिक फीचर्स बताऊं तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, देखिए सारे फीचर्स तो मिलेंगे जो हमको ऑलरेडी मिलते हैं, बट इलेक्ट्रिक सनरूफ, ग्रैंड कंसोल विद आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट। अच्छा, एक चीज और, मैं एक चीज भूल गया था कि अब की बार जो कंपनी है इन्हें आर्मरेस्ट भी दे दिए, तो आप लोगों को आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, अच्छी चीज है। काइंड ऑफ स्कॉर्पियो में जैसे नहीं आते वैसे टाइप के आर्मरेस्ट जो आपको मिल जाते हैं, अच्छी चीज है। हाँ, तो इसमें आप लोगों को ग्रैंड कंसोल विद आर्मरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, रियर एसी वेंट्स यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, रूफ रेल, शार्क फिन, रियर ए टाइप यूएसबी, ये फीचर जो है एडवेंचर सनरूफ में देख। गाइस बात करें, ये वाला मॉडल जो है एडवेंचर सनरूफ मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, एंड आप लोग परचेज कर सकते हो, क्योंकि सनरूफ से लेके आर्मरेस्ट से लेके रियर एसी वेंट्स जैसे जो फीचर्स हैं इसमें आपको मिल जाते हैं, इससे ऊपर वाले मॉडल्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक अपडेट जो इन लोगों ने कराया बड़ी स्क्रीन का, उसके लिए आप लोगों को थोड़े ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अकॉम्प्लिश प्लस जो मॉडल है उसमें आप लोगों को मिलती है, कंपनी बोलती है फ्लोटिंग 26.03 सेंटीमीटर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। फ्लोटिंग से इनका सीधे मतलब है कि 10 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले जो है पर आपको अकॉम्प्लिश प्लस मॉडल में मिलेगी। अगर आप स्क्रीन नहीं लेना चाहते और ये वायरलेस चार्जर वार्जर चीजें नहीं लेना चाहते, तो आप लोग जो है एडवेंचर सनरूफ वाले मॉडल पे भी जा सकते हो, उसमें भी जो है आपको सारी चीज मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से सनरूफ इंडिया में एक ऐसा मतलब फैसिनेटिंग सी चीज बन गई, तो कंपनीज को भी ये चीज समझ में आ गई, इसलिए उन लोगों ने निकाल। तो भैया ये तो था अपडेटेड जो अपना टाटा पंच का मॉडल है उसके बारे में, जिसके टीजर्स आप लोगों को दिख भी होंगे, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आए हैं। साथ साथ इंजन में इसमें आपको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन इंजन मिलता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करे गए। ये पर्टिकुलर इंजन 84 BHP की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क जनरेट। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा अंडर पावर लगता है, कुछ लोगों की जितनी स्पेसिफिक नीड्स है उसको पूरा करता है, बट कंसिडरिंग गाड़ी की सेफ्टी, साइज और फीचर्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं, उसके हिसाब से मॉडल भी मेरे सही लगा। अच्छा, दूसरी चीज अब बात करें टाटा पंच फेसलिफ्ट, ये सारे के
सारे फीचर्स आपको टाटा पंच फेसलिफ्ट में भी देखने को मिलेंगे। अब चलिए एक चार्ट दिखा देते हैं हम आपको कि टाटा पंच का जो फेसलिफ्ट वाला मॉडल है उसमें आपको क्या कुछ चीजें नई देखने को मिलने वाली। टाटा पंच फेसलिफ्ट जो है बहुत ही जल्द आने वाली है एंड ये रही अपनी पूरी पूरी डिटेल। देखिए जो अभी करंट वेरियंट है उसमें आप लोगों को प्योर रिदम जो है नए वाले वेरियंट में प्योर रिदम डिसकंटिन्यू कर दिया है, प्योर ऑप्शनल नहीं आए हैं वो लोग। और इसी के साथ साथ टाटा पंच जो है उसमें सेम ये रहेगा, हालांकि कंप्लीट न्यू वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिलेगा विद फीचर्स लाइक सेंटर लॉकिंग, ऑल पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, व्हील कवर, ये सारी चीज देखने को मिलेंगी। उसके बाद एडवेंचर रिदम जो मॉडल है उसमें आप लोगों को कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे, जो हमारा फेसलिफ्ट वाला मॉडल होगा उसमें भी, यहां से आपको चार्ट दिखने लग रहा होगा। हालांकि जो एडवेंचर एस यानी कि एडवेंचर सनरूफ मॉडल है उसमें आपको न्यू सनरूफ वेरिएंट ओवर एडवेंचर विद ग्रैंड कंसोल, रियर एसी वेंट्स एंड अदर फीचर्स। तो कुल मिला के जो अपडेटेड वाला मॉडल आया है ना वही सारे फीचर्स जो है आप लोगों को फेसलिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं, कुछ अलग नहीं करा जाएगा। पर यहां पे एक चीज अलग है जो मैंने आपको बता दी, देखिए मैं आपको चार्ट पूरा डाल देता हूं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो कुल मिला के कहने मतलब है जो अभी आप लोगों को अपडेटेड फीचर्स देखने को मिल रहे हैं ना वही सेम फीचर्स आपको द ऑल न्यू पंच फेसलिफ्ट 2024 में भी देखने को मिलेंगे, बट यहां पे उस गाड़ी के लुक्स चेंज कर दिए गए हैं। जैसे आप लोगों को टाटा पंच ईवी में देखने को मिलते हैं 2024 में, कुछ उसी टाइप के लुक्स जो है आपको टाटा पंच फेसलिफ्ट 2024 में मिलेंगे, प्लस जो अपने अभी अपडेटेड फीचर्स हैं इनके। तो कहने का मतलब यह है कि जो फीचर्स अभी आपको ऑफर करे जा रहे हैं यही सेम फीचर्स आपको पंच फेसलिफ्ट में मिलेंगे, पर पंच फेसलिफ्ट के जो लुक्स हैं वो चेंज कर दिए जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लुक्स में क्या कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस टाटा पंच जो ईवी आप लोगों को देखने को मिलती है डिट्टो वैसे ही टाटा पंच फेसलिफ्ट 2024 बनाई गई है, पर यहां पे देखिए क्या है कि हमारी ईवी जो है उसमें एयर इनटेक की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहां पे आपको जो ग्रिल है उसमें थोड़े बहुत फेर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ और सारी की सारी चीजें जो है एज इट इज सेम मिलेगी। तो फ्रंट की मैं बात बताऊं उसमें आपको ग्रिल चेंज मिलेंगी, साथ ही साथ साइड में अलॉयज जो है वो भी डिफरेंट होंगे। ईवी के जो अलॉय होते हैं थोड़े एरोडायनामिक बनाए जाते हैं ताकि जो मतलब बैटरी को माइलेज है वो ज्यादा मिले, आप लोगों को माइलेज अच्छी खासी मिले, रेंज ज्यादा मिले, तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स चेंज होंगे। पीछे की तरफ आ जाते हैं तो ऐसा समझा जा रहा है कि नेक्सॉन से इंस्पायर्ड इसमें भी आप लोगों को कनेक्टेड टेल लाइट्स में पीछे देखने मिल सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि टाटा पंच में कनेक्टेड टेल लाइट्स कैसी लगेंगी, तो गाइस पीछे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बागड़ा वाला डिजाइन ने ऑलरेडी एक रेंडर बनाया जिसमें हमको टाटा पंच के कुछ लुक्स जैसे कि ईवी पे बेस्ड वैसे लुक्स देखने मिलेंगे। हालांकि मैं एक्यूरेट नहीं बोल सकता इसको, बट हाँ टाटा पंच फेसलिफ्ट अगर रियर कनेक्टेड टेल लाइट्स के साथ आती है तो कुछ ऐसी आप लोगों को देख। तो गाइस बहुत सरल शब्दों में वापस मैं रैप अप करके आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आज हमने जो आपको बताई थी वे अपडेटेड टाटा पंच के फीचर्स थे कि इन मॉडल्स में अपडेट कर दिया है। स्टॉक क्लियरेंस होने के बाद यही सेम जो मॉडल्स हैं एज इट इज ही टाटा पंच फेसलिफ्ट 2024 में कैरी फॉरवर्ड होंगे, बट उसका ढांचा यानी कि उसके जो लुक्स होंगे वो अलग होंगे, बट फीचर्स यही देखें। तो गाइस ये अब आपके ऊपर है कि आपको टाटा पंच जो एग्जिस्टिंग अपडेटेड मॉडल है इसके साथ रहना है, क्योंकि फीचर्स तो वही है, लुक्स पसंद आ सकते हैं आप लोग स्टिक कर सकते। टाटा पंच ईवी के लुक्स पसंद नहीं आते तो फटाफट ये वाला मॉडल ले लो, टाटा पंच ईवी के पसंद आते तो टाटा पंच फेसलिफ्ट पेट्रोल वाले वेरिएंट के लिए वेट कर लीजिएगा, वैसे लुक्स जो आपको देखने मिलने वाले। तो विद दिस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना मत जाएगा। मिलते रहेंगे हम लोग आपसे ऐसी और जबरदस्त वीडियोस में, तब तक के लिए राम राम जी, ड्राइव सेफ, हैव अ सेफ जर्नी। तो चलिए धन्यवाद।